हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक, विच इज अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। दो बर्ड्स की टेल, टेल मीन्स कहानी, एक स्टोरी विच इज नॉट रियल, जो रियल ना हो, ऐसी एक कहानी हम दो बर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक मदर बर्ड थी जिसके दो बेबीज थे और दोनों अलग हो जाते हैं, क्या होता है फिर उनके बाद उनकी लाइफ में, ये हम स्टोरी में रीड करेंगे। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड और उसके दो बच्चे एक बार फॉरेस्ट जंगल में रहते, छोटे बच्चे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स आंधी, बहुत तेज हवा जो चलती है उसे स्टॉर्म कहते हैं। तो मदर वॉज किल्ड, मदर जो है वो एक स्टॉर्म में, शी वॉज किल्ड, मर जाती हैं वो। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो छोटी चिड़िया होती है उसके बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग घर मिलते हैं। कहानी शुरू करते हैं हम। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक बर्ड और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज, तभी पैदा हुए बच्चे थे बहुत छोटे, जो कि एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उनका घोंसला था एक बहुत टॉल, बहुत ऊंचे, शेडी मतलब होता है छायादार, एक छायादार पेड़ के ऊपर। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ पर जो मदर बर्ड थी वो दिन रात अपने जो लिटिल वंस थे, बच्चे थे, उनका ध्यान रखती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, बहुत तेज आंधी आती है, तूफान आता है। देयर वॉज थंडर, बादल गरजता है। लाइटनिंग, बिजली चमकती है। एंड रेन, और बारिश होती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा है वो ब्लू डाउन कर देती है, उखाड़ देती है बहुत सारे ट्रीज को। ब्लो मतलब ऐसे उड़ाना होता है, लेकिन ब्लू डाउन मतलब उखाड़ देना। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जो इतना टॉल, जो इतना ऊँचा ट्री था जिस पर बर्ड रहती थी, वो भी गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बड़ी और हैवी मतलब भारी ब्रांच, उसकी जो शाखा थी, टहनी, वो नेस्ट पर हिट करती है, लगती है, और जिससे कि बर्ड मर जाती है। बर्ड को हो सकता है बर्ड नेस्ट में और उसको चोट लगती हो। फॉर्चुनेटली, किस्मत से, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो विंड होती है इतनी स्ट्रॉन्ग जो चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, वो उनको उड़ाती है और जंगल के दूसरी तरफ ले जाती है उड़ाकर। उनकी किस्मत अच्छी थी, फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, भाग्यवश जिसे आप कहेंगे। ओके, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से एक जो है वो केम डाउन आ जाता है, लुढ़कता हुआ, एक केव के पास, एक गुफा के पास, जहां पर कि एक गैंग रहता था रॉबर्स का, डाकुओं का, है ना, जो चोरी करते हैं, गैंग में रहते हैं। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। थोड़ी ही दूर पर एक ऋषि का आश्रम था, दूसरा वहाँ पर चला जाता है। एक रॉबर्स के यहाँ चला जाता है उड़ता उड़ता, और एक ऋषि के यहाँ। ओके, ये केव है, आई थिंक रॉबर्स की केव होगी, और एक देखिए बच्चा यहाँ जाता है, दूसरा थोड़ी ही डिस्टेंस पर ये ऋषि हैं यहाँ चला जाता है। ओके, नेक्स्ट। डेज पास्ट, दिन बीतते हैं। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो जाते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। जो उस देश का राजा होता है वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए फॉरेस्ट में आता है, जंगल में आता है। ही सॉ डियर, वो एक हिरन को देखता है। एंड रोड आफ्टर इट, रोड राइड से बना है, राइड करना मतलब सवारी करना, और वो उसके पीछे जो है वो जाता है, सवारी करता है, पीछे पीछे जाना होता है शिकार के अपने, जहाँ पे वो पास मिले वहाँ पे आप उसको तीर से फिर शिकार करते हैं उसका। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और जो डियर था वो जंगल में बहुत डीप, बहुत अंदर तक चला जाता है, और उसके पीछे ही राजा भी होता है, फॉलो करना, पीछा करना। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही राजा जो है अपना रास्ता भूल जाता है। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट।
वो तब तक राइड करता रहता है, घोड़े पर चलता रहता है, जब तक कि वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड नहीं पहुंच जाता, दूसरी साइड से बाहर नहीं निकल जाता। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अभी तक वो बहुत थक भी गया है, ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरता है एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहाँ पर कि एक गुफा थी। सडनली एकदम से ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही थी, क्विक हरी अप, जल्दी करो, देर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कम एंड टेक हिज ज्वेल, आओ और उसके जो ज्वेल्स हैं, जो भी उसके पास जहीरे जवाहरात है वो ले लो, एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी। ज्वेल्स मतलब होता है गहने, ओके, और उसके गहने और उसका घोड़ा उससे छीन लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो स्लिप अवे हो जाएगा, चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग हैरान हो जाता है, ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखता है एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और ऊपर इसको एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड दिखती है उस पेड़ के ऊपर जो कि जिसके नीचे वो बैठा था। ये वही बर्ड होगी जो आपने देखा था, एक बेबी उसके पास आया था केव के, मतलब वो भी अब रॉबर्ट से मिल गया है और इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जल्दी से आओ, देखो कोई आदमी बैठा हुआ है, बहुत सारे गहने पहने हैं, आके उसके गहने और जो उसका घोड़ा है वो ले लो नहीं तो वो चला जाएगा, रॉबर्ट्स को कह रहा है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम केव, वो उसे कुछ फेंट मतलब बहुत ही हल्की, बहुत धीमी कुछ आवाज़ भी सुनाई देती है जो कि इशू हो रही थी, आ रही थी फ्रॉम द केव, गुफा से। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ता है, रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से रोड अवे चला जाता है। द किंग वॉज अमेज टू हियर द सिमिलर वॉइस अगेन, किंग फिर से वो दोबारा आवाज़ सुनता है, ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसको बर्ड की ट्रू स्टोरी पता लगती है, ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, ओके ये इसमें होगा। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, जल्दी वो एक खाली सी जगह पर पहुंचता है, वैसे क्लियर मतलब साफ होता है बट यहाँ पे खाली है, जहाँ पर कि एक आश्रम था, इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, वो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधता है एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और उसी की छाया में बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसको एक बहुत ही जेंटल प्यारी आवाज़ सुनाई देती है, जेंटल मीन्स यहाँ होगा नर्म एक तरीके से, डिसेंट, ओके, रिस्पेक्टफुल, जो कि अनाउंस करती है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, वो वेलकम करती हैं राजा को और कहती है कि अंदर जाओ रेस्ट कर लो, द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे, देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में बर्तन में कुछ ठंडा पानी है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप प्लीज़ कम्फर्टेबल हो जाइए, आराम से रहिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, फिर से जो किंग है वो ऊपर देखता है और ब्राउन बर्ड वही उसको दिखाई देती है, ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान हो जाता है, दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये बिल्कुल उसी बर्ड की तरह दिख रही थी जो कि वहाँ पर केव के बाहर थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो अपने आप को कहता है ये तो बिल्कुल वैसी ही बर्ड है जो उस केव के बाहर थी। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, बर्ड कहता है हाँ बिल्कुल सही है, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, लेकिन उसने रॉबर्ट्स को अपना फ्रेंड बना लिया है, ही नाउ टॉक एज दे डू, वो अभी उन्हीं की तरह बात करता है, जैसे रॉबर्ट्स कहते हैं ना जल्दी से उनका गहना ले लो नहीं तो भाग जाएगा, ऐसे ही वो बात करने लगा है। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे अब बात भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर ही सेड टू द किंग, वो किंग को वेलकम करता है, प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और जैसे आप घर पर हैं बिल्कुल ऐसा ही फील करिए, यहाँ पर भी अपने घर जैसा ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके लग रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरा फूड शेयर कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं मेरे साथ। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, किंग जो है दोनों बर्ड्स की कहानी ऋषि को सुनाता है, एंड हाउ ईच हैव बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक, कि किस तरीके से उन दोनों ने कितना अलग बिहेव किया हालांकि वो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, ये जंगल जो है ये सरप्राइजेज से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मीन्स होता है धार्मिक, धर्म कर्म को मानते हो,
तो वो जो ऋषि थे वो स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। हर कोई उस कंपनी से, उस साथ से जाना जाता है जिसके साथ वो रहता है। आप अपने साथियों के से जाने जाते हैं। द बर्ड हैज स्टेड हर्ड और द टॉक ऑफ रॉबर्स। जो बर्ड है, सॉरी, द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। वो जो चिड़िया है दूसरी, उसने हमेशा रॉबर्ट्स को, जो डाकू है, उनको बात करते हुए सुना है। ही इमिटेट्स देम। इमिटेट करना मतलब नकल करना, वो उन्हीं की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को रॉब करने के बारे में ही बात करता है, हमेशा उन्हें जो है लूटने के बारे में ही बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। ये जो बर्ड है ये वही रिपीट करती है जो ये सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये लोगों को आश्रम में वेलकम करती है। नाउ कम इन साइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आइए और आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस जगह और इस इन बर्ड्स के बारे में और भी बताऊंगा। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें कि बताया गया है कि आपकी कंपनी आपके बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करती है और हाउ इट बिल्ड योर कैरेक्टर। और जैसे कि राजा ने भी कहा कि आप अपनी कंपनी से ही जाने जाते हैं। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जैसे फ्रेंड्स होंगे आपके, जैसे ग्रुप में आप रहेंगे, आप भी उन्हीं के तरह ही, उन्हीं के जैसे ही बन जाएंगे धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स अच्छे रखने हैं एंड बी विद द गुड पीपल। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो है वो बहुत ही जल्दी अपलोड कर दी जाएगी।